Manik. Manik, I'm sorry. मुझे इंपल्सिव कहती हो, और जो तुमने किया वो एक चांस टू गेट बैक ध्रुव। वो भी नहीं। आई नो, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। आई नो इट, एंड आई नो दैट यू आर वेरी हर्ट, बट ध्रुव सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। He was not ready to understand anything. And Dhruv should know that you're the bestest friend he can ever have. क्या फायदा ना? तुमने खुद ही तो कहा था मैं गलत था। अरे गलत तुमने मेरे साथ किया है। As a friend, you're not at fault. Still no point. Dhruv is still hurting himself. और मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हर बात के लिए, हर चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ। यू कांट टेक सो मच, एंड अ पर्सन शुड नो वेयर टू स्टॉप। ध्रुव बहुत दूर चला गया हमसे। राइट, मैं भी ऐसे सोचता था, बट देन दिस गर्ल kept on telling me about home. Ki Manik, don't lose hope. Think positive. Manik, negative mat socho. Hope karo ki ho jayega sab kuch. Nahi bola tha. I just want Dhruv to come around. Manik, मुझे तुम्हें ना एक बात बता। नंदनी, Manik, there's no one better than you. किसके लिए? मेरे लिए। ये क्या मतलब यार, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तुम, बीच कॉन्वर्सेशन से भाग के आ गए। पर फ्लॉप आइडियाज ना हमें चाहिए ही नहीं। और पहली बात, हमें बहुत सारे काम है। लिसन, हेलो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं, ठीक है? आइडिया वो फ्लॉप नहीं था, आइडिया वर्ल्ड क्लास, राइट टू अंडरस्टैंड ना? एक बार जब तुम्हारे बच्चे की बाप मतलब फेक फादर की फोटो और तुम्हारी फोटो तुम्हारी माँ को एक साथ दिखाएंगे ना, माँ समझ जाएगी कि मामा कुछ नहीं समझने वाले। तुम्हारी माँ समझ जाएगी, हमारी माँ हमारी शादी उसे करा देगी। यार शादी करनी क्यों जरूरी है? शादी हो गई है। पर कबीर, व्हाट पर एंड ऑल यार, नो पर एंड ऑल, प्लीज राइट ऑन सर ना। बिल्कुल सही, नो पर
एक मिनट, तुम कौन हो? Myself सनी शर्मा फ्रॉम करनाल हरियाणा. मैं रेडी हूँ बनने के लिए फेक फादर, नकली पापा. एक मिनट, हम तुम्हें जानते नहीं है. अरे लेकिन मैं तो तुम दोनों को जानता हूँ ना यार, रोज देखता हूँ तुम्हें. तुम फेमस फैब फाइव के कबीर और तुम प्रेग्नेंट नव्य. राइट, सही गाइस. क्या इंट्रोडक्शन दिया. अच्छा मैं अपने बारे में बताता हूँ. मैं दिल्ली से एक महीने पहले आया. अपना वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर, वो मेरे मामा है. तो मामा के चक्कर में यहाँ आया मुंबई. अब मामा ने मुझे कैंटीन के काम में लगा लिया. पर मुझे कैंटीन का काम नहीं करना ना यार, मैं तो बनने आया यहाँ एक्टर. दिख रहा है, देखा, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ मैं, पहचान गया. लेकिन जब ये बात मामा को पता चली, मामा ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया. सो द सैड स्टोरी इज दिस कि मेरे पास ना ही काम है और ना ही घर. कोई नहीं भैया, बहुत सैड स्टोरी है, हमें क्यों बता रहे हो? हाँ, गुड क्वेश्चन. क्योंकि जितनी तुम दोनों को मेरी जरूरत है, मुझे भी तुम दोनों की उतनी ही जरूरत है. वो कैसे बताओ? कैसे कैसे? मैं बनूंगा फेक फादर. राइट, अब उस चक्कर में तुम्हारी मम्मी वापस चले जाएगी और तुम्हारी मम्मी का भी प्रॉब्लम सॉल्व. लेकिन इसके बदले मैं रहूंगा तुम दोनों के साथ और तुम दोनों मुझे मदद करोगे एक्टर बनने के लिए. नंदनी, उम्मीद है कि दी तुम घर पहुंच गई होगी. आई होप तुम्हें याद होगा जी कि तुम्हें मुझे अपने घर खाने पे बुलाना था. आई मीन तुम्हारी एम्स ने बोला था ना, तो मैं सोच रहा था कि आज रात को तुम्हारे घर आ जाऊं. आज रात? क्या हुआ? किसका फोन है? You're most welcome. Okay. Bye. Bye-bye. Wow, Pandit ji. लगता है आपने मेरी एडवाइस मान ली और नंदनी के साथ थोड़े से लीनियंट हो गए. But that's swift progress. उसके घर रात को डिनर पे चला. Actually, नंदनी की ग्रैंड मॉम मेरी गुरु माँ. Wow. That's great. मतलब नंदनी के साथ आपका कनेक्शन पहले से ही. You have fun. और लड़की के घर जा रहे हैं, उसकी फैमिली के लिए जरूर कुछ लेके जाइएगा. हुआ क्या? फोन किसका? क्या आज रात? नव्या का फोन था. उसने बोला कि आज रात जल्दी सो जाना बिकॉज कल सुबह सुबह रियाज करना है. नव्या, उसने तो चाइल्ड प्लानिंग ऑलरेडी कर दी है. तुम्हें अडॉप्ट जो करनी है. नाइस. अभी मुझे घर जाना होगा. अच्छा सुनो, ड्रॉप कर देता हूं. नहीं, मैं चली जाऊंगी. लिसन, रियली दैट सीज बाय. अरे नंदनी, आई समहाउ टू फिगर आउट हाउ टू ब्रेक दिस स्टूपिड कसम. There are too many bags, sorry. Gonna go to the boot. You keep all the stuff. All right.
What are you doing here, Dhruv? Why aren't you saying anything? What are you doing here? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हग करोगे तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, भूल जाऊंगी जो सब हुआ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कहां जाऊं और पता नहीं यहां पे कैसे आ गया। क्या हुआ जब मैं तुम्हारे साथ था ऐसा फिर तुम्हें नंदनी के लिए फील करता तुमसे सब कुछ शेयर करता से कुछ नहीं बोला। पास्ट के बारे में अब क्यों बात कर रहे हो? कि उसी बात से मुझे आज सच मालूम पड़ा है। ऐसा सच जिससे मैं बहुत हर्ट हुआ। तुम्हें पता है? मानिक हैड फीलिंग्स फॉर नंदनी एंड ही सैक्रिफाइज्ड हर फॉर मी। व्हाट? तुमने पूछा था मुझसे व्हाई आई फील इनफीरियर टू मानिक। नाउ आई टेल यू व्हाई। क्योंकि वो मुझे हमेशा अपने से इंफीरियरली ट्रीट करता है, तभी तो ऐसे अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करके मुझे नंदनी देना चाहता। तुम हमेशा मानिक की साइड लेती थी ना, अब बोलो क्या बोलोगी उसके लिए? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कभी उसने मुझे हर्ट किया होगा। यही डिफरेंस है तुम्हारे और मानिक के बीच में। तुम अपनी पेन के बारे में बात कर रहे हो और मानिक उसने अपनी पेन के बारे में बिना कुछ सोचे ही लेफ्ट नंदनी फॉर यू। Can you even imagine how much that must have hurt him? क्या तुम सच मुझे लगता कि उसने जो किया ठीक है? ठीक है या गलत जो भी, Dhruv, he was definitely trying not to hurt you. और फिर भी? What is wrong with you? How can you be this way? You can feel your pain, you can feel your hurt, but तुम जो कर रहे हो, how can you not see how you're hurting people around you? और कितना hurt कर? Before you even realize it. शायद मैंने यहाँ पे आके गलती करी। Hi Nandini. Yes. Come, welcome. Aye. This is for you. Oh, thank you. Come. Tight. Mysore Pak. Mysore Pak. Yeah. My favorite mithai. और तुम उसी जगह से लाया, उसी शॉप से लाया जो मेरा फेवरेट शॉप। जी, actually मैं मैंगलोर में रहा हूँ, तो वहाँ की पसंद अच्छे से जानता हूँ। वैसे हमारे यहाँ नेशनल डेकोरेशन है। तो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। आपने नंदू को चूज किया मेंटर करने के लिए। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। अब आपके साथ रह के ना नंदू वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे साथ वर्ल्ड टूर करेगी तो बिल्कुल बन जाएगी। वैसे आपने सिर्फ नंदिनी को ही क्यों चूज किया? Are you Shannon जी? ये कैसा क्वेश्चन है? क्यों नहीं, मेरा मतलब है आपकी क्लास में और कौन कौन है? मानिक भी है ना? जी नहीं, एक्चुअली मानिक इस कॉन्सर्ट में नहीं गा रहा। क्यों? मतलब मुझे तो लगा था मानिक और नंदनी साथ में गा रहे कॉन्सर्ट में। अरे उसने मुझे खुद बताया था जब होली के दिन फोन किया था विश करने के लिए। काफी अच्छा लड़का है मानिक, रहता है यहाँ पे मेरे हाथ के वर्ल्ड फेमस छोले खाने के लिए। चाची टेबल लगाए। अरे ऋषभ कम डाउन, देखो मैसूर पाक आया है। चाची प्लीज माने के बारे में पंडित जी से बात मत करना। क्यों? दे डोंट गेट अलोंग वेल माने के पंडित जी। अरे
मानिक जैसे अच्छे लड़के के साथ कोई गेट लॉन्ग कैसे नहीं कर सकता? मुझे ना ये पंडित जी कोई गलत लगता है। गलत? अब चाची आपको गलत क्यों लगता है? अब जो भी तुझे और मानिक को अलग करेगा वो गलत ही होगा ना चाची। अरे मेरा मतलब है जो तुझे और मानिक को फ्यूजन कॉन्सर्ट में साथ में गाना गाने के लिए अलग करेगा वो गलत होगा ना, तूने क्या सोचा? नहीं। अच्छा एक सीक्रेट है, मानिक और मैं फ्यूजन कॉन्सर्ट में एक साथ परफॉर्म करेंगे, आप देख लेना। अच्छा हेलो, आई वांट टू सी यू अभी। व्हाट? हाँ मैंने सोचा अबाउट दिस योर नव्यास कसम, एंड आई थिंक देयर इज अ लूपहोल। उसने कहा था कि हम कॉलेज में नहीं मिल सकते, पर उसने घर में नहीं मिलो ऐसे थोड़ी बोला था। नो 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 नो, यस यस, आई विल सी यू इन 20 मिनट्स। नो नो नो, मानिक प्लीज डोंट कम हियर, बाय। चाचा चाची जगे हुए हैं ना, सो हाँ तो क्या हुआ, ठीक है ना, उनको भी हाय बोल दूंगा। मानिक वो एक्चुअली गेस्ट आए हुए फॉर डिनर, सो सब बहुत बहुत बिजी है ना, तो प्लीज डोंट कम। लिसन आई डोंट केयर। नंदिनी। हाँ चाचा। बेटा आ जाओ। मानिक आई हैव टू गो, बट प्लीज तुम मत आना घर, ओके? हेलो लिसन नंदिनी, मैं माने को कैसे बताऊं कि पंडित जी इसका मूड, वो ऑलरेडी ध्रुव के माइंड से इतना परेशान है, आई डोंट वांट टू ट्रबल हिम एनी मोर। हाउ आई विश कि लाइफ इस पजल की तरह सिंपल होती, सारे पीसेस एक ही बॉक्स में, नो डिफिकल्टीज एट ऑल। Yonika, listen, I'm not in the mood to learn life lessons from you, okay? लेकिन लेसन तो तुम्हें देना पड़ेगा मानिक, तुम्हारी कंप्लेन आ रही है। पंडित जी had come to meet me today to talk about you and Nandini. क्या कहा पंडित ने? यही कि you're creating problems for his favorite student. What? तुम अब भी उसके बारे में बात करना चाहती हो? You know me better. जब तक Nandini hasn't paid back for her mistakes, I'm not leaving her alone. Of course I do. But do you know कि पंडित जी Nandini के grandmother के favorite student है, just like Nandini पंडित की favorite है. They have a very homely relationship. In fact, aaj Pandit ji is having dinner with Nandini's family. Manik, please, don't come here. Guest I will for dinner. तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? Just so you know. Nandini and Pandit are quite into each other. Pandit is definitely into Nandini. तभी तो उसके घर जा रहा है। लेकिन नंदिनी ने बताया क्या नहीं?